फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और लेजर क्रिएट करने से भी इंपॉर्टेंट होता है उस लेजर का सही ग्रुप का सिलेक्शन करना। तो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुतार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग हरसन हर में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एक बिजनेस के अंदर रियल प्रैक्टिकल में कैसे यूज किया जाता है अगर ये सीखना चाहते हो, तो आप हमारे इस वीडियो को यहीं स्किप करके टेली ईआरपी 9 में कंपनी क्रिएट करने का जो सही प्रोसेस है आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी जरूर देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली टेली की हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, शुरू करते हैं टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर क्रिएट करने का सही प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए कंपनी इन्फॉर्मेशन, और इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कंपनी के फीचर को, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा लिस्ट ऑफ कंपनी का, और हमारी कंपनी श्री श्याम ट्रेडर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और क्या क्या उसके प्रोसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स, हम श्री श्याम ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और हम नेम ऑफ यूज़र में टाइप करेंगे श्याम और पासवर्ड 123। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये हमारे टेली ईआरपी 9 का होम पेज, जिसको हम स्टार्टअप पेज भी बोल सकते हैं, गेटवे ऑफ टेली के नाम से जाना जाता है ये। और हमें लेजर क्रिएट करने के लिए हमें मास्टर्स मेन्यू, और मास्टर्स मेन्यू में अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाना होगा, और उसके बाद लेजर्स, और हम लेजर्स पे इंटरप्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस भी हमारे सामने आएगा लेजर्स का, और इसमें हमें सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, तो हम सिंगल लेजर के अंदर लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सीखेंगे। अब इसमें हमें तीन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब कंपनी में नया लेजर बनाने के लिए, और डिस्प्ले का मतलब जो लेजर बना चुके हैं उसको देखने के लिए, और अल्टर का मतलब उस लेजर में अगर किसी भी टाइप की कोई कमी रह गई है या किसी भी टाइप का कोई एरर है, उसको अगर कोई चेंजिंग करना है यानी कि मॉडिफाई करना, तो उसको अल्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिस्प्ले की, जैसे हम डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर्स के अंदर दो लेजर शो हो रहे हैं, और ये दोनों लेजर टेली ईआरपी 9 ने खुद ने बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही बना दिए, यानी कि खुद ने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिए। ये दो लेज़र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी के सारे लेज़र हम क्रिएट करेंगे। तो एस्केप की से हम बैक आएंगे और क्रिएट पे एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम क्रिएट पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये लेज़र क्रिएशन की विंडो हमारे सामने ओपन होएगी। अब ये लेज़र क्रिएशन के अंदर मतलब लेज़र हमको बनाने हैं, और हम लेज़र कौन से बनाएंगे, जो पिछली वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था हमारी मैनुअल बुक्स का, और वही लेज़र हम हमारी कंपनी के अंदर क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस पर। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस था, और इस जमान की हमारे श्री श्याम ट्रेडर्स कंपनी के जो भी लेज़र्स थे उस लेज़र की लिस्ट हमने यहाँ पे बना रखी है। तो ये सभी लेज़र हम टेली ईआरपी 9 में भी बनाएंगे। तो सबसे पहला लेज़र हमारा राजेश कुमार का, तो राजेश कुमार का लेज़र हम यहाँ क्रिएट करेंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पे हमें पूछेगा एल आई लेजर, यानी कि इसका उपनाम, राजेश कुमार का कोई शॉर्ट नाम अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन हम कोई भी शॉर्ट नाम नहीं देंगे। एंटरप्रेस करेंगे अंडर। अब यहाँ पे हमारे सामने एक आया लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है वो सारा ग्रुप के आधार पर ही चलता है। हमें ग्रुप की जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में जाएगा। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। अगर हमने लेजर का नाम बिल्कुल सही रख दिया और उसका ग्रुप का जो सिलेक्शन है बिल्कुल गलत कर दिया, तो हमें बहुत मुश्किल होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, व्यापार में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति कैपिटल अकाउंट होता है, और व्यापार में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं यानी कि सेल्स और परचेज के जो लेजर बनते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। तो परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में, और सेल्स का लेजर वो सेल्स अकाउंट में। और जिस व्यक्ति को हम उधार सामान बेचते हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारा सेंडरी डेटर्स होते हैं, और जिस कंपनी फर्म से हम उधार सामान खरीदते हैं यानी कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनको हम सेंडरी क्रेडिटर्स बोलते हैं, और बैंक में जो खाते होते हैं यानी कि बैंक में जो अकाउंट बनता है उनके अंडर में बैंक अकाउंट ही रखते हैं। तो फ्रेंड, इस
पीडीएफ का मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो ये ग्रुप वाइज डिटेल। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं हमारी टेली की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड अब राजेश कुमार, अब हमें पता राजेश कुमार हमारे बिजनेस के अंदर पूंजी लगाने वाला व्यक्ति है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट रहेगा। कैपिटल अकाउंट इसको सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, वहां पे राजेश कुमार की जगह कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट और अंडर में कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये रियल प्रैक्टिकल अकाउंट के अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कभी कैपिटल वर्ड नहीं आता, वहां पे उस प्रोप्राइटर यानी कि उस कैपिटल का नाम आता है जिस इंसान ने व्यापार के अंदर पूंजी इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि राजेश कुमार का नाम आएगा और अंडर में कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड इसको हम नो रखेंगे। अब इसको हम यस क्यों नहीं कर रहे इसके फ्यूचर में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और इसका यहाँ पे एड्रेस टाइप हम करेंगे रायसिंह नगर। तो कंट्री हमारी इंडिया रहेगी, स्टेट हमारा राजस्थान रहेगा, पिन कोड हमारा 3351 ही रहेगा। और इसको अगर बैंक की डिटेल हमारे पास है तो हम अभी टाइप कर देंगे, अगर बाद में मिलेगा तो हम बाद में एडिट में जाके भी कर देंगे यानी कि अल्टर कर देंगे। अब ये पेन नंबर अभी हमारे पास है तो हम अभी भी कर सकते हैं लेकिन हम बाद में भी कर देंगे। अब ओपनिंग बैलेंस, अब ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि 1/4/2019 यानी कि अगर आपका कोई पुराना बैलेंस, पिछले साल का जो बैलेंस आपका आया आगे वो आपका ओपनिंग बनेगा, यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। तो हमारा बिजनेस इसी साल में शुरू हुआ है तो ओपनिंग हमारा कुछ है ही नहीं, तो इसको हम जीरो ही छोड़ेंगे और एंटर करेंगे तो हमें पूछेगा एक्सेप्ट, यानी कि आपको इस जो लेजर क्रिएट किया इसको सेव करना है या नहीं करना। हमें सेव करना है तो इसको यस करेंगे यानी कि एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा राजेश कुमार का लेजर जो क्रिएट हो चुका है, तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डिस्प्ले पर जाके, और ये राजेश कुमार। अब राजेश कुमार पे हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमने जो ग्रुप सिलेक्शन किया था या जो इसका एड्रेस जो हमने पोस्ट किया था वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम किसी भी टाइप के अगर इसके अंदर कोई एरर रह जाती है, यानी कि मान लीजिए हमें इसका मोबाइल नंबर डालना भूल गए और हमें इसका मोबाइल नंबर बाद में अवेलेबल होता है, तो हम इसको एस्केप करके बैक आएंगे और एल्टर पे। अब जैसे एल्टर पे प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर्स के अंदर में वो लेजर सेलेक्ट करना है जिसको हमें एडिट करना है, तो हम राजेश कुमार को एडिट करेंगे और जहाँ पे भी जो चीज़ हमें एंट्री करनी है वहाँ पे जाएंगे। अब बाद में हमें मोबाइल नंबर मिला तो हम इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसको एंट्री एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट यानी कि दोबारा सेव करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से वापस हम डिस्प्ले पे जाके देखेंगे तो हमारे द्वारा जो मोबाइल नंबर बाद में एंटर किया गया था वो वापस यहाँ शो होने लग गया। तो इस तरीके से हम हमारे बिजनेस के सारे लेजर क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेजर था हमारा किरियाना गुड्स सेल्स का, तो किरियाना गुड्स सेल्स का लेजर भी हम क्रिएट करेंगे, किरियाना गुड्स जीएसटी फ्री सेल्स। और ये हमारे बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट है तो सेल्स है तो ये अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट के। तो फ्रेंड अब YouTube पे आपको ये बताया जाएगा कि आप जो सेल का लेजर बनेगा वो सेल्स बढ़ाओ और अंडर में इसको सेल्स अकाउंट रखो। अगर इसकी भी हम रियल प्रैक्टिकल की बात करें तो ये लेजर भी हमारा बिल्कुल गलत बन रहा है। रियल प्रैक्टिकल में इस टाइप के लेजर नहीं बनते, क्योंकि हमको वो लेजर क्रिएट करना होता है, अगर हमारी सेल हो रही है तो पर्टिकुलर उस कॉमोडिटी का नाम भी हमें साथ में लिखना पड़ेगा जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं। अब हमारा बिजनेस किस चीज़ का था, किरियाने का, यानी कि हम हमारे बिजनेस के अंदर हम किरियाना गुड्स परचेज करते हैं और किरियाना गुड ही सेल करते हैं, तो हमें कॉमोडिटी का नाम साथ में लिखना कंपलसरी हो जाता है, यानी कि किरियाना गुड्स जीएसटी फ्री सेल्स। अगर इसी तरीके से अगर कोई 5% की अगर हमारे पास सेल होती है जीएसटी की तो हम वर्ड लिखेंगे किरियाना गुड्स जीएसटी 5% सेल। अगर 12% का अगर कोई प्रोडक्ट हमारा सेल होता है तो उसका वर्ड देंगे किरियाना गुड्स जीएसटी 12% सेल। ये नहीं भी हम सभी का कोई सेल ही देते रहेंगे, तो पर्टिकुलर कॉमोडिटी का नाम बिल्कुल साथ में होता है रियल प्रैक्टिकल अकाउंट में सेल्स। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो बन रहा है सेल या परचेज का उसमें यस रहेगा, और जो पर्सनल अकाउंट बनेंगे उसमें सभी में नो रहेंगे। अब ये यस या नो क्यों हो रहे हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसको नोट एप्लीकेबल और एंटर एंटर प्रेस करते इसको एक्सेप्ट करके सेव करेंगे। तो इसी तरीके से बस हमारे पास नेक्स्ट लेजर था परचेज का, यानी कि किरियाना गुड्स जीएसटी फ्री परचेज, और इसको भी हम हमारी ये परचेज हो रही है तो हम इसको परचेज अकाउंट में लिखेंगे। हम केवल ऊपर लेजर्स के अंदर ओनली परचेज नहीं लिखेंगे बल्कि पूरा उस कॉमोडिटी का नाम यूज करेंगे किरियाना गुड्स जीएसटी फ्री परचेज।
तो ये ट्रेडिंग लेजर है, तो ट्रेडिंग लेजर के अंदर भी हम इसको यस रखेंगे। भी जो लेजर परचेज या सेल के अंडर में आते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट ही होते हैं, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट लेजर था केस का। अब हमें केस का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रीपेयर बाई टेली, क्योंकि टेली द्वारा ऑटोमेटिक ही जनरेट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा राम एंटरप्राइजेस, तो हम राम एंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट करेंगे, एंटरप्राइज करेंगे। अब अंडर में, अब हमें पता होना चाहिए राम एंटरप्राइजेस कौन है, क्या है। अगर हमें पता है कि हमने राम एंटरप्राइजेस से सामान परचेज किया है, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर इससे हमने सामान खरीदा था, तो ये हमारा सप्लायर हो गया, और सप्लायर को हम बोल देते हैं सेंड्री क्रेडिटर्स। और इसके ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको हम नो रखेंगे, और इन्वेंट्री वैल्यू इसको तो हम नो रखेंगे रखेंगे। और एड्रेस, अब एड्रेस में हम क्या टाइप करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा भी राम एंटरप्राइजेस का एड्रेस क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने जब मैनुअली अकाउंटिंग करी थी तो हमने राम एंटरप्राइजेस से इनवॉइस मंगवाया था, यानी कि जब हमने गुड्स परचेज किया था तो राम एंटरप्राइजेज ने हमको एक इन्वॉइस दिया था, और उस इन्वॉइस पे राम एंटरप्राइजेस की जो कंपनी है उसका एड्रेस प्रिंटेड था। हम इसको वेरीफाई करेंगे भी राम एंटरप्राइजेस का जो इसने इन्वॉइस हमको दिया था उस इन्वॉइस में एड्रेस क्या था। तो ये हमारे पास राम एंटरप्राइजेस का इन्वॉइस है, जो गुड्स परचेज किया था तो राम एंटरप्राइजेस ने हमको इन्वॉइस जारी किया था, और इसका एड्रेस है शॉप नंबर 20 जयपुर। तो ये एड्रेस हम टेली के अंदर भी एंट्री करेंगे, शॉप 20 जयपुर। और इस तरीके से एंटरप्राइज करते हुए हमें उसको, और जयपुर का जो भी पिन कोड वगैरह होएगा वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेजर हमारे पास मुकेश कुमार का, मुकेश कुमार। और इसका हम ग्रुप क्या सेलेक्ट करेंगे, अब हमें पता है भी मुकेश कुमार को हमने सेल किया था, यानी कि उसको उधार सामान हमने सेल किया बेचा है, तो जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो हमारा सेंड्री डेब्टर्स होता है, हम इसको सेंड्री डेब्टर्स की कैटेगरी में रखेंगे। और इसका एड्रेस, अब मुकेश कुमार का एड्रेस हम कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जब हमने मुकेश कुमार को सेल्स किया था यानी कि गुड्स बेचा था तो हमने इसको एक इनवॉइस जारी किया था, और इस इनवॉइस पे हमने मुकेश कुमार का एड्रेस भी लिखा था, तो हम मुकेश कुमार का इनवॉइस भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मुकेश कुमार का इनवॉइस जो श्री श्याम ट्रेडर्स द्वारा मुकेश कुमार को दिया गया था, और इसका एड्रेस था रायसेन नगर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। तो फ्रेंड, ये एड्रेस हम टेली सॉफ्टवेयर में भी टाइप करेंगे, रायसेनगर और डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। और इस तरीके से कंट्री इंडिया, स्टेट हमारा राजस्थान, पिन कोड हमारा रायसेनगर का जो पिन कोड हम टाइप कर देंगे। अगर पेन नंबर मुकेश कुमार का है तो हम टाइप कर देंगे, नहीं तो हम एडिट करके बाद में भी टाइप कर सकते हैं, और एंटर नंबर को सेव करेंगे। नेक्स्ट HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का भी हम लेजर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे बैंक का बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, हम लिस्ट और ग्रुप में हमें तीन टाइप के लेजर यहाँ पे शो हो रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट, बैंक OCC और बैंक OD। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं इस बैंक के वाउचर पे ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, यानी कि भी बैंक के ग्रुप में कौन सा लेजर बैंक का बन रहा है, तो कौन सा ग्रुप यूज होएगा, OCC कब होता है, OD कब होता है, और बैंक अकाउंट कब होता है। तो फिलहाल मैं इसको बैंक अकाउंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हम बैंक अकाउंट करेंगे तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हमें पूछेगा, यानी कि हमारा अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, तो इसको भी हम बाद में ही एंटर प्रेस करेंगे, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट लेजर है विकास सनोप राजू का, तो वो हम टाइप करेंगे, विकास सनोप राजू। तो फ्रेंड्स, अब इसका हम क्या ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने विकास को सामान बेचा भी नहीं है और विकास से सामान खरीदा भी नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है, किराए पे ले रखी है, उसके प्रॉपर्टी का मालिक है। तो हम इसको चाहे तो करंट लाइबिलिटीज में भी रख सकते हैं, और चाहे तो हम इसको करंट एसेट में भी रख सकते हैं। मैं इसको एक बार करंट एसेट में रख रहा हूँ, और इसके एंटर एंटर मार के हम इसको सेव करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट लेजर है शॉप रेंट, अब शॉप रेंट का भी हम टाइप करेंगे। अब शॉप रेंट का ग्रुप हम क्या सेलेक्ट करेंगे, शॉप रेंट यानी कि दुकान का किराया। अब ये दुकान का किराया हमने दिया है या हमें मिला वो हमें देखना है, क्योंकि हमने मिला तो हमें है नहीं है, हमारी बिल्डिंग ऑलरेडी रेंटेड पे है, इसका मतलब हमने दुकान का किराया दिया है, तो हमारे बिजनेस का खर्चा हो गया, और बिजनेस का जो रेंट, शॉप रेंट किस टाइप का खर्चा है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको दो टाइप के ग्रुप दिख रहे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है इस पे मैटर पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको एक बार जरूर रिव्यू कर लें। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट लेजर हमारा था बैंक एक्सपेंसेस का, और इस बैंक एक्सपेंसेस को भी हम क्रिएट करेंगे। और ये भी हमारे बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ग्रुप में इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एंटर एंटर करके प्रेस करेंगे। तो जो हमारे ट्रायल बैलेंस में यानी कि जो हमारे बिजनेस के जितने भी लेजर्स है वो सारे लेजर हमने टेली सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर दिए हैं, और इसको हम एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे। तो क्रिएट पे नहीं, अब आप चाहे डिस्प्ले पे आके देखोगे तो भी हमें लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखेंगे, आप चाहो तो एल्टर पे भी आके इसको देख सकते हो। तो अगर बैंक एक्सपेंसेस HDFC किराना गुड सेल परचेज के मुकेश कुमार, जितने भी लेजर हमारे ट्रायल बैलेंस में थे वो सारे लेजर हमने कंपनी टेली ERP9 सॉफ्टवेयर में भी क्रिएट कर दिए। तो फ्रेंड हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने लेजर हमारे मैनुअल बुक्स में बनते हैं उतने लेजर ही हमारे टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनेंगे। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से यूज़ करो सारे लेजर सॉफ्टवेयर में जरूर बनते हैं, क्योंकि अगर एक भी लेजर मिस हो गया तो आपकी डाटा एंट्री नहीं हो पाएगी, यानी कि कोई भी वाउचर आपका पोस्ट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये आज का जो हमारा विषय था टेली ERP9 के अंदर लेजर क्रिएट करने का सही प्रोसेस क्या है और कौन कौन से लेजर हमें किस किस नाम से बनाने चाहिए। फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से टेली ERP9 की नई नई वीडियो और प्रैक्टिकल बेस पे लाते रहेंगे और उसका मैसेज आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।